रेलवे जंक्शन का देखिए हावड़ा ब्रिज भाई, ये हावड़ा जंक्शन है और ये आपका भाई हावड़ा ब्रिज मतलब सामने है। हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं अभी हूँ भाई हावड़ा जंक्शन पे, शटल लिया गया था अलग डायमंड एक्सप्रेस में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज भाई रात के टाइम कैसा दिखता है। चलिए घर में भाई बोर रहा तो सडनली मैं हावड़ा जंक्शन मतलब हावड़ा आ गया हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ रात में हावड़ा ब्रिज भाई कैसा दिखता है। तो चलिए बोलो में कंटिन्यू बने रहे, मैं जा रहा हूँ बाहर रेलवे स्टेशन से। ये है बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। देखिए भाई हावड़ा जंक्शन का भीड़ पूरा मस्त भीड़ है। डेली भाई यहाँ से 10 लाख पैसेंजर सफ़र करते हैं। फूड प्लाजा, यहाँ पर आप खाना ताना लेकर के सफ़र में आ सकते हैं हावड़ा। और मैं जा रहा हूँ बाहर की ओर एग्जिट। एग्जिट गेट तो फाइनली मैं भाई स्टेशन के बाहर का व्यू देखे, पूरा आपको बिजी रोड मिलेगा, पूरा कार देखने को मिलेगा येलो कार। देखिए भाई मेरा पीछे का सीन ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको हावड़ा जंक्शन का भाई, बाहर तरफ से आपको एकदम महल जैसा दिखेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे हावड़ा ब्रिज की ओर भाई, पैदल ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर है यहाँ से रेलवे जंक्शन से। ये बाहर का व्यू हमारा हावड़ा रेलवे जंक्शन का, देखिए हावड़ा ब्रिज भाई दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए ये लोग आ रहे, ये देखिए हावड़ा जंक्शन के बाहर भाई बस लगा है। अब बस से यहाँ से हर जगह जा सकते हैं, सियालदह, ईडन गार्डन, जितना आपको जगह घूमना है। 15 रुपया सिर्फ टिकट लेगा। तो खैर मैं वो नहीं जाऊँगा, मैं आपको हावड़ा ब्रिज दिखा रहा हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल, पूरा लाइटिंग है भाई रात का पूरा ब्रिज में। चलिए मैं उधर जा रहा हूँ ब्रिज तरफ, बढ़िया से दिखा रहा हूँ सामने से। हावड़ा स्टेशन के बाहर स्ट्रीट फूड जस्ट स्टेशन के बाहर लगा है। लस्सी ठंडा भाई, लेकिन पीऊंगा नहीं। दिस इज भाई हावड़ा ब्रिज, सो ब्यूटीफुल लुकिंग। और भाई यहाँ से देखो हावड़ा जंक्शन का व्यू भाई पूरा मस्त लग रहा है। देखिए सामने एकदम बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगा हावड़ा, ये हावड़ा जंक्शन है और ये आपका भाई हावड़ा ब्रिज मतलब सामने है। भाई यहाँ रोड पार करना आम बात नहीं है, बहुत सावधानी से पार करनी होती है, गाड़ी का रफ्तार भाई बहुत स्पीड ज़्यादा है। देखिए टाइम हो रहा रात के 10, बट लग नहीं रहा कि रात है, यहाँ पर एकदम दिन जैसा लग रहा है भाई कोलकाता में। और ये जस्ट देखिए हावड़ा ब्रिज के नीचे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मैं आपको वहाँ से रिवर दिखा रहा हूँ कितना मस्त दिखेगा। टिड़िंग 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 हावड़ा ब्रिज, देखिए भाई हावड़ा ब्रिज से कितना गाड़ियाँ पार हो रही है, ओनली आपको बस ज़्यादा तो देखने को मिलेगा। ये देखिए बस पार है। और मैं जस्ट भाई हावड़ा ब्रिज के ऊपर हूँ, मतलब ऊपर मतलब क्या, वही जहाँ से गाड़ी भाई चल रही है। ये देखिए ये हावड़ा ब्रिज है भाई और मैं नीचे जा रहा हूँ।
भाई देखिए यहाँ से नदी का सीन, देसी नदी भाई। इधर साइड वाला जो दिया है ना, इधर हावड़ा ब्रिज का पैदल जा सकते रहे, बीच में भाई गाड़ी जा रही है। ये देखिए हावड़ा ब्रिज और यहाँ से देखिए भाई नदी, पूरा एकदम मस्त लग रहा है। इसलिए भाई कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, इसे सिटी ऑफ जॉय नहीं कहा जाता है। और यहाँ देखिए भाई लोग बहुत सोए हैं साइड में। पुल की खासियत है आपको बीच में भाई एको पाया नहीं मिलेगा, ये विदाउट पाया में खड़ी इतनी बड़ी पुल। आई थिंक कितना होगा, वही 200 मीटर आई थिंक, 200-250 मीटर लंबा है ये पुल और बिना पाया का है भाई, एकदम टंगा हुआ पुल है। देखिए हावड़ा ब्रिज बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बिना पायों से खड़ी हुई है। तो खैर एनीवे मैं चलता हूँ फिर रेलवे स्टेशन की ओर, भागूंगा घर। हावड़ा ब्रिज से आप हावड़ा जंक्शन की ओर जाते हैं ना, तो यहाँ का कोई दृश्य अलग ही लगता है, तो आपको दिखा रहा हूँ भाई। ये देखिए गाड़ी भाई इधर जा रही है फिर उधर भी जा रही है। ये देखिए भाई और नीचे से भी कुछ गाड़ियाँ आ रही है। यहाँ से भाई सीन देखिए भाई पूरा भाई गजब का सीन दिख रहा है। ये देखिए व्यू है यहाँ से हावड़ा जंक्शन का, आप इधर से घूम के जा सकते हैं भाई। यहाँ बहुत रूल है, ट्रैफिक रूल गाड़ी का। ये देखिए पूरा भाई हावड़ा जंक्शन यहाँ से वहाँ तक 23 प्लेटफॉर्म है, इसलिए एकदम महल जैसा दिखता है भाई। भाई एकदम महल बोल देने से ही कम नहीं है, महल से भी ब्यूटीफुल लग रहा है हावड़ा जंक्शन भाई। चलिए भाई मैं आपको थर्ड लेवल से रेलवे स्टेशन की ओर ले जा रहा हूँ, एकदम नीचे से। ये थर्ड लेवल हावड़ा जंक्शन का, चारों तरफ से आप अंदर घुस सकते हैं। इधर भाई आप टिकट कटवा सकते हैं, टिकट का भीड़ देखिए भाई। और ये देखिए भाई हावड़ा जंक्शन का भीतर का व्यू भाई, जिधर देखोगे भाई आदमी ही आदमी टिकट लेकर दौड़ा पड़ रहा है ट्रेन चढ़ने के लिए। तो घूमते मुझे लग गया भूख, मैं जा रहा हूँ बाहर तरफ फिर से कुछ खा के आ रहा हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ अंदर जंक्शन में और क्या क्या चीज़ है रेलवे जंक्शन में। तो भाई कोलकाता में भाई दो ब्रेड ऑमलेट में ले रहा हूँ स्टेशन के जस्ट बाहर हावड़ा जंक्शन के, 40 रुपये भाई दो ब्रेड ऑमलेट का, देख रहे कैसे बना रहा है। इसी को काट रहा है ना भाई, गजब मज़ा आएगा खाने में भाई। ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गया है, देख रहे क्या क्या और दे रहा है भाई। नमक दो ब्रेड ऑमलेट तो भाई 40 रुपया लिया भाई, बड़े टेस्टी खा के कैसे लग रहा है। आगे सब इधर चीजें तो है, लॉकिंग बोर्ड में पानी है तो ये मेला तो होता है, ये तो देगा नोट।
भाई कोलकाता में पहली बार ये अच्छा लगा, बड़ा स्टेशन के बाहर मतलब खाना भाई यहाँ भाई मजा बहुत आ रहा है। चलिए खा के मैं आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली में भाई ये बिहारी था इसलिए इतना मस्त बना सका, मतलब कोलकाता का नहीं था क्या कि इतना दिन हम बहुत बार आए हैं यहाँ का। भाई स्ट्रीट फूड मज़ा नहीं लगता, नमक नहीं लगता है तो तीखा नहीं लगता है, एकदम गजब लगा जैसे हम झारखंड में खा रहे बोकारो में। चलिए मैं अंदर जाता हूँ। फाइनली भाई मैं ATVM मशीन से अपना टिकट कटा लिया हूँ घर का, 115 रुपया लिया भाई। मेल एक्सप्रेस मेरी ट्रेन है करीब 12 बजे, टाइम हो रहा है वही करीब 11, तो मैं जा रहा अपना स्टेशन की ओर, प्लेटफॉर्म की ओर सॉरी। चारों तरफ भाई हावड़ा जंक्शन का भीड़ देखिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके 8 तक, टोटल 23 प्लेटफॉर्म है सोचिए, मतलब डेली भाई 10 लाख पैसेंजर यहाँ से पक्का सफ़र करते होंगे। तो मैं जा रहा हूँ भाई अपना प्लेटफॉर्म नंबर 18। ये भाई वही ट्रेन है जिसे मैं आया था भाई हावड़ा, ट्रेन का नाम है भाई ब्लैक डायमंड जो धनबाद से चलती है हावड़ा के बीच, लेकिन इसमें मैं घर नहीं जाऊंगा। भाई ये है 19 नंबर प्लेटफॉर्म, उधर 18, यहाँ है 20। भाई मेरी ट्रेन जो है ना 18, 19 या 20 प्लेटफॉर्म नंबर पर लग सकती है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसे ही और बोलेंगे, तब तक लिए बाय, टेक केयर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।